खबर वाराणसी से, जहां वाराणसी के हरहुआ स्थित काशी कृषक इंटर कॉलेज में आज सेवानिवृत्तिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर नगीना सिंह यादव, इतिहास के प्रवक्ता बिजराज सिंह व हिंदी के प्रवक्ता संतराम के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयराम सिंह सह जिला विद्यालय निरीक्षक व पदकृत अधिकारी काशी कृषक इंटर कॉलेज रहे। इस अवसर पर मुख्य रूप से काशी कृषक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नगीना सिंह यादव, बिजराज सिंह, संतराम, रामाशीष गौर, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव सहित विद्यालय के समस्त अध्यापक व कर्मचारीगण मौजूद रहे। 21 मार्च को अपनी 15 वर्ष की सेवा के पश्चात बंद कर दें। आज आपकी विदाई हो रही है, कितने सालों तक आपने सेवा किया विद्यालय का, क्या कहना, क्या अनुभव रहा आपका सेवा कार्य का यहाँ? वैसे सेवा का जो बात की, 1989 में मैं महाबोधि इंटर कॉलेज सारनाथ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा कर करके एक दिन भी मुझे बैठना नहीं पड़ा। उसी दिन मैं महाबोधि इंटर कॉलेज में संस्कृत प्रवक्ता के रूप में ज्वाइन किया। तत्पश्चात 2008 में आयोग से चयनित होकर के मैं गाजीपुर फतेहुल्ला इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहा। इसके पश्चात आयोग से ही चयनित होकर करके 2011 से अब तक मैं इस विद्यालय की सेवा कर रहा हूँ। मैं उपस्थित हुआ हूँ आज हमारे काशी कृषक इंटर कॉलेज हरहुआ में के प्रधानाचार्य जी अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के बाद अधिवस्तायु पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और उनके साथ ही हमारे इस विद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक, जिन लोगों ने अपना एक लंबा योगदान दिया है इस विद्यालय में, श्री बृजराज सिंह जी और संतराम जी, ये दो लोग साथ में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनका सेवानिवृत्ति के उपरांत जो समस्त औपचारिक के साथ सम्मान किया जाता है, उसके लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। यह एक पुरानी परंपरा है कि आने वाले और जाने वाले दोनों का स्वागत किया जाता है। और साथ ही साथ मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ कि विद्यालय में प्रधानाचार्य जी के सेवानिवृत्ति के बाद विद्यालय में नए कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में श्री राम आशीष गुण, जो यहाँ वरिष्ठ ज्येष्ठ प्रवक्ता हैं भौतिक विज्ञान के, उनको आज ये प्रभार हस्तांतरित किया गया है आगामी तब तक के लिए, जब तक कि मूल पद पर कोई प्रधानाचार्य आसीन न हो जाए, तब तक के लिए इनको प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कराया गया है। कल से विद्यालय की समस्त व्यवस्थाओं का देखरेख श्री राम आशीष जी करेंगे। इसके अलावे विद्यालय के पठन पाठन शिक्षण और इन सभी चीज़ों से संबंधित एक बैठक ली गई है समस्त शिक्षक कर्मचारियों की, और एक विस्तृत साल भर के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें शिक्षण व्यवस्था, अनुशासन व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और इसके साथ साथ विद्यालय के अतिरिक्त गतिविधियों का, जो NEP 2020 के तहत जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उसके साथ विद्यालय के सर्वांगीण, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो हमारे लिए विद्यालय को उन्नत कर सके, इस पर कार्य योजना बनाई गई है समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं और कर्मचारियों के बीच एक बैठक करके। तो ये बड़ा ही शुभ अवसर है, और मैं पुनः अपने इन तीनों, जो डॉक्टर नगीना सिंह यादव जी जो प्रधानाचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, डॉक्टर संत लाल जी और वरिष्ठ प्रवक्ता के रूप में, और डॉक्टर बृजराज सिंह जी जो प्रवक्ता 38 वर्षों की सेवा के उपरांत उत्कृष्टता के साथ समर्पित सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, इनके सम्मान के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए हैं।